हेलो ऑल, जनरल अवेयरनेस फॉर ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स इन हिंदी में आपका स्वागत है। तो लास्ट क्लास में एक्चुअली आपको प्रॉब्लम हो गया, ठीक है। थर्टी एक क्वेश्चन तक हम रुक गए थे, 13 क्वेश्चन तक, तो अभी उसी से कंटिन्यू करने वाले हैं। तो अपना ये फोर्थ पार्ट है, जिन्होंने अभी तक नहीं देखे फर्स्ट प्लेलिस्ट में जाके पूरा अच्छे से देखिए, ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है अपना सीरीज है आपके IBPS और TCS के सभी एग्जाम्स के लिए और ऑल्सो NIET के लिए भी। तो स्टार्ट करते हैं अभी, ठीक है। तो लास्ट टाइम इधर तक हम रुके थे, ठीक है, तो इसके बारे में डिस्कशन लास्ट टाइम हो चुका है। तो उसमें जस्ट अभी एक पॉइंट और ऐड करो अपने नोट्स में कि जो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट है, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, ठीक है, थोड़ा लंबा होगा आज का वीडियो लेकिन कवर तो करना है अपने को। तो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जो है वो है बैत मुनि, ठीक है। तो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट है बैत मुनि, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। बाद में बैत मुनि जो है वो मोस्ट रन उन्होंने किए हैं पूरे वर्ल्ड कप में, तो मोस्ट रन्स, ठीक है, ज्यादा रन सबसे किसने बनाए, बैत मुनि ने, तो ये आपको नाम रखना है याद। बाद में आपका है मोस्ट विकेट टेकर, सबसे ज्यादा विकेट कितने लिए, ठीक है, मोस्ट विकेट टेकर, तो सबसे ज्यादा विकेट लिए है मेगन स्कट ने, ठीक है, मेगन स्कट। तो ये चीजें आपको याद रखनी है, इतना इंफॉर्मेशन काफी है इस क्वेश्चन के लिए। जाते हैं आगे, तो 14 क्वेश्चन है, हु हैड गिवन द बैक टू वेदा स्लोगन, ओके, वेदों की ओर लौट चलो, किसने नारा दिया, तो उसका आंसर जो है आपका दयानंद सरस्वती है, ठीक है। देन 15th है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैड ऑर्गेनाइज एडिपेक 2019 इवेंट, ठीक है, तो किस कंट्री में था एडिपेक इवेंट, कुवैत, UAE, जॉर्डन, कतर, ठीक है। तो अभी इसके बारे में एडिपेक का जो आंसर है आपका UAE है, बी है। जस्ट इसका फुल फॉर्म याद रखो क्योंकि TCS पूछ सकता है आपको फुल फॉर्म से क्वेश्चन, ठीक है, एडिपेक बता देगा और इसमें आई क्या है, डी क्या है, ये सब बता सकता है, इसलिए अबू धाबी, ठीक है, ए मतलब अबू धाबी, डी धाबी, तो आपको अभी पता चला होगा यूए में क्यों हुआ, राइट। तो अबू धाबी इंटरनेशनल पेट्रोलियम एग्जीबिशन, ओके, ई फॉर एग्जीबिशन, एंड कॉन्फ्रेंस, ठीक है, ऑब्वियसली हिंदी में नहीं होगा इसका, यही होगा फुल फॉर्म जो आपको एग्जाम में आएगा, तो इस तरीके से आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये एडीपेक का फुल फॉर्म है, 2019 का इवेंट जो है यूए में हुआ था, 2020 में कैंसिल हुआ था कोरोना की वजह से, तो उन्होंने ऑनलाइन लिया, ओके, और 2021 का भी चल रहा है, किधर लेंगे किधर नहीं अपने को पता चलेगा, तब मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो फिलहाल अपने पास जो इन्फॉर्मेशन है 2019 इवेंट का है वो हुआ है यूनाइटेड अमीरात में, ठीक है, ओके, यूनाइटेड अरब अमीरात में हुआ। और बाद में फिर हम जाते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए आज का, ठीक है, 16 क्वेश्चन है कि विच स्टेट इन इंडिया इज द फर्स्ट वन टू गेट लॉ ऑन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, ठीक है। तो जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग मतलब क्या है कि भारत में कौन सा राज्य अनुबंध खेती पर कानून पाने वाला पहला राज्य बना है, तो वो आपका बना है तमिलनाडु, ठीक है। अभी इसके ऊपर हम डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं क्योंकि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अगले 6 महीने तक जो भी एग्जाम होंगे उसमें आपको ये जो क्वेश्चन है इसके ऊपर वो आपको दिखेगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो आपका आता है क्वेश्चन वो है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या है, राइट, ये आप पूछोगे कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है क्या, बेसिकली इसका मीनिंग क्या होता है। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग मतलब इसमें आ रहा है वर्ड एक कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या होता है, एग्रीमेंट होता है दो लोगों के बीच में। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का मीनिंग क्या है, एक आपका बायर रहेगा, ठीक है, एक आपका बायर रहेगा और आपका फार्मर रहेगा, तो ये दोनों जो है वो एक दूसरे के साथ एग्रीमेंट करते हैं, ठीक है, और कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो इसको ही बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। कॉन्ट्रैक्ट में क्या रहेगा कि जो बायर है वो जो फार्मर को जितना भी टूल्स चाहिए या सर्विसेज चाहिए फार्मिंग के लिए वो सब प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो मतलब ये क्या करेगा, सर्विसेज देगा फार्मर को, और उसके बदले फार्मर क्या करेगा, जो फूड है, ठीक है, ग्रेन्स है वो प्रोड्यूस करेगा और उसको देगा, ठीक है, मतलब जो भी उसके प्रोडक्ट बन रहे हैं फार्मिंग से, फूड और फ्रूट, ठीक है, जो भी मतलब वो खेती कर रहे हैं उनको जो भी आएगा वो बायर को दे देंगे, ठीक है। तो ये सिंपल मीनिंग, इसको याद रखना अपने को ऐसे ही। अभी थोड़ा और जाते हैं इसमें क्योंकि इसमें मैं रिस्क नहीं लेना चाहता है क्योंकि TCS इसमें अच्छा TCS का टॉपिक है और आपको पता ही है फिलहाल ये ट्रेंडिंग है टॉपिक जो कि ये प्रोटेस्ट हो रहा है फार्मर्स का, ठीक है, तो उसके ऊपर ही हो रहा है ये जो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो 27 सितंबर को बेसिकली 3 बिल पास किए हैं संसद ने, ठीक है, 3 बिल पास किए हैं। तो फर्स्ट आपका जो बिल है वो है आपका फार्मर, पहले आप लिख लो तीनों बिल के नाम लिख लो, तो फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स, ठीक है, ये आपका फर्स्ट बिल है।
और इसका जो एक्ट है वो भी आपको याद रखना है, दैट इज योर प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट। ठीक है, तो फर्स्ट ठीक है एक काम करते हैं, पहले मैं एक एक का मीनिंग बता देता हूँ क्योंकि कंसेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो ये जो फर्स्ट बिल जो संसद ने दिया है, फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स, तो इसके अंतर्गत क्या होता है कि अभी कैसे रहता है, देखिए एक फार्मिंग रहता है, ठीक है, ये आपका एक फार्म रहता है, इधर आपका फार्मर है, तो वो खेती करेगा, सब अपना जो फ्रूट है फूड है वो प्रोड्यूस करेगा, और फिर ये जो माल है और ये जो आइटम्स है वो सप्लाई होते हैं, ठीक है, और सिटीज में आते हैं, बड़ी सिटी में, बड़ी सिटी में हर एक सिटी में आपका एक एक ये होता है सेंटर, जिसको हम एपीएमसी मार्केट बोलते हैं, ठीक है, एपीएमसी आपने सुना होगा, आपकी सिटी में भी होगा, तो एपीएमसी मतलब उसका फुल फॉर्म है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी, ठीक है, तो इधर आपका सब पूरा जो सप्लाई है इधर आता है, और बाद में इस एपीएमसी मार्केट जो कि मेन सिटी में रहेगा उससे पूरे स्टेट में डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है, मतलब ये सिटी वन सिटी टू सिटी थ्री सिटी फोर या गांव में जाएगा विलेज वन, सभी जगह इधर से जो ट्रेडर ट्रेडर्स होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, इधर उधर ट्रक जाती है, राइट। तो बेसिकली एक ऐसा फॉर्मेट रहता है, ये आपको पहले पता होना चाहिए जब भी फार्म से अपना फूड आता है तब, ठीक है, जो भी हम खाते हैं। तो इसमें अभी क्या कर सकता है फार्मर, इंस्टेड ऑफ, ये कंपलसरी था कि फार्मर को एपीएमसी के मार्केट में पहले जाना पड़ेगा और इधर से फिर ट्रेडर ट्रेड करेगा हर एक सिटी में और विलेज में, लेकिन इस बिल के अंतर्गत अभी क्या हो रहा है कि फार्मर जो है उसको राइट मिल गया है कि डायरेक्टली वो सेल कर सकता है, ठीक है, मतलब आउटसाइड एपीएमसी मार्केट भी वो बेच सकता है, तो एक उसको एक मतलब बोलते हैं प्रोविजन मिला है, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और इम्पोर्टेंट चीज इसमें है कि जो आपके स्टेट गवर्नमेंट है, ऑब्वियसली एक स्टेट में आ गया ये, ठीक है, तो आपका जो स्टेट गवर्नमेंट है वो उस पर टैक्स भी नहीं लगा सकता, तो फार्मर का ये जो है टैक्स, ये टैक्स बिना टैक्स मतलब टैक्स फ्री हो जाएगा, ठीक है, और ट्रेडर के लिए भी, मतलब फार्मर के लिए भी ट्रेडर के लिए टैक्स देने की जरूरत नहीं है, जो बिजनेस करेंगे वो फूड का, ठीक है, बेचेंगे वो इसके लिए। तो ये आपका फर्स्ट एक्ट है, फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स, ठीक है, नाम से भी याद रख सकते हो, कंसेप्ट जैसे याद रखो, ये इमेज के फॉर्म में ऐसा याद रखो तो अपने आपको अच्छे से याद होगा, ठीक है। अभी इसमें और सबसे इम्पोर्टेंट है कि टैक्स फ्री है ये दोनों के लिए, ट्रेडर और फार्मर के लिए, ठीक है, तो ये होगा फर्स्ट बिल आपका। अभी जो आपका सेकेंड बिल है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस स्टिल नाम याद रखो, आपको पता होना चाहिए कि फार्मर्स इम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन, ठीक है, ये एग्रीमेंट ऑन प्राइस अश्योरेंस एंड फार्म सर्विस एक्ट, फार्म सर्विस एक्ट, ठीक है। तो इसमें जस्ट याद रखो कि प्राइस अश्योर करने के लिए है, मतलब हर एक फूड आइटम के लिए और जो फार्मिंग हो रहा है उसका प्राइस इंश्योर करने के लिए है, ठीक है। थर्ड आपका है जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और ये क्वेश्चन आपका गारंटी आपको दिखेगा, तो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, ठीक है। तो इस एक्ट के अंतर्गत जो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट है वो जो आपके फूड आइटम्स है उनको डीलिस्ट कर सकता है, मतलब उनको बाहर ये कर सकता है, ओके, एसेंशियल फूड आइटम की लिस्ट से, मतलब एक आपका एसेंशियल रहता है, ठीक है, एसेंशियल सर्विसेज, एसेंशियल फूड आइटम, जो भी आपका इमरजेंसी लगता है तब हम यूज कर सकते हैं, तो मतलब एसेंशियल चालू रहता है, बाकी सब बंद होता है, बंद हो जाता है, ठीक है। तो एसेंशियल फूड आइटम में लिस्ट से वो निकाल सकता है किसी भी फूड आइटम को सेंट्रल गवर्नमेंट, ओके, उसका जो प्राइस है वो कंट्रोल कर सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट, तो जो फूड आइटम है उसका प्राइस भी कंट्रोल कर सकता है, और स्टॉक होल्डिंग का जो कंट्रोल है वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आ गया है इस बिल से, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट से, ठीक है, स्टॉक होल्डिंग कंट्रोल, तो ये सब चीजें सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आ गई है, और प्राइस भी वो कंट्रोल करेंगे, सब कंट्रोल करेंगे, ठीक है। जो एसेंशियल फूड आइटम होगा, जैसे कि सपोज एक फ्रूट होगा कोई, ठीक है, तो उसका ही, सबका नहीं, जस्ट जो एसेंशियल में वो ये करेंगे, लिस्ट करेंगे उसका, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है फार्मर्स बिल के बारे में। तीन बिल पास हुआ है 27 सितंबर को, डेट याद नहीं रखा तो भी चलेगा, लेकिन एटलीस्ट बिल का मीनिंग और ये तीन बिल का नाम आपको याद होना चाहिए, ठीक है, और एटलीस्ट तीन बिल ऐसा आपको याद रखना है। तो ठीक है, इतना इन्फॉर्मेशन काफी है इसके लिए, जाते आगे अभी। ओके, तो 17 क्वेश्चन, हु अमंग द निम्नलिखित में से किसने 37th एथेंस मैराथन जीता है, ठीक है, एथेंस में जो मैराथन होता है वो 37 जो है वो किसने जीता है, तो आपका आंसर जो है जॉन किपकोरे कॉमिन है। अभी जस्ट इसके बारे में जान लेते हैं कि जॉन जो है वो केनिया से है, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि जॉन क्या है, केनिया से है एथलीट,
और अथेंस का नाम आया तो अथेंस के बारे में जानते थे, बहुत खूबसूरत जगह है अथेंस, जो कि है कैपिटल ग्रीस का। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि कैपिटल किसका है, ग्रीस का है, और इसका जो प्रेसिडेंट है अथेंस ग्रीस के, तो जो ग्रीस के प्रेसिडेंट है वो है कैटरीना। ठीक है, तो इतना ही याद रख सकते हो, आपको कैटरीना तो याद रहेगा ही। ठीक है, लेकिन इस पे इसका जो सरनेम है थोड़ा बड़ा है, लेकिन फिर भी साकेला रोपूला, ठीक है, लोपूला ऐसा कुछ तो था, तो जस्ट इसलिए कैटरीना याद रखो, ग्रीस प्रेसिडेंट कैटरीना। ठीक है, और करेंसी ऑब्वियसली यूरो ही होगा। ठीक है, तो ये था आपका इसके बारे में जानकारी, जो इनफ है। अभी जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। ओके, और एक क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट है, जो अपने के अपने को डिटेल में भी स्टडी करना है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर हैज गिवन परमिशन टू द ईस्ट इंडिया कंपनी टू ट्रेड इन इंडिया। ठीक है, तो क्या है ऑप्शन, बहादुर शाह, हुमायूं, जहांगीर, अकबर। तो इसका जो आंसर है वो है जहांगीर। ठीक है, तो अभी जस्ट थोड़ा डिटेल में डिस्कशन करते हैं, क्योंकि ऑलवेज आपका जो मिडिवल हिस्ट्री है वो आपका इंपॉर्टेंट तो रहा ही है और होता ही है, और उसमें से आपके मैक्सिमम क्वेश्चन आपको मिलते हैं। ठीक है, तो आते हैं अभी मुगल एज में। ठीक है, मुगल एम्पायर में मुगलों का जो है उसमें जो फर्स्ट रूलर था और किंग था और राजा था वो था बाबर। ठीक है, बाद में बाबर के बाद है हुमायूं, ऐसा सीक्वेंस में आप याद रखोगे तो आपको याद रहेगा। तो हुमायूं, बाद में आपका है जहांगीर, और लास्ट है आपका अकबर। ठीक है, तो ये चार हो गए। अभी अकबर जो है एल्डेस्ट सन है, बड़ा बेटा है जहांगीर का। ठीक है, मतलब था अभी ये करो जस्ट। तो जहांगीर का अगर हम देखेंगे रूलिंग जो ईयर है वो है 1605 टू 1627। ठीक है, तो ये जहांगीर ये है जो मैरी उन्होंने शादी की थी वो है नूर जहां से। तो ये आपको याद रखना है नूर जहां, जिसका ओरिजिनल नेम ये पूछा है क्वेश्चन थीसिस ने। ठीक है, तो इसलिए आपको भी अच्छा पता होना चाहिए कि मेयर उन निसा, ये उसका ओरिजिनल नेम था नूर जहां का। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। बाद में जहांगीर ने अपना एक बायोग्राफी लिखा, ओके, वो था तुजुक ए जहांगीरी। ठीक है, तुजुक ए जहांगीरी, और ये भी बेसिकली पर्शिया में लिखा, पर्शियन लैंग्वेज जो होता है उसमें लिखा, क्योंकि उस टाइम पर्शियन लैंग्वेज चलता था उनके इधर, इसलिए पर्शियन में लिखा। ठीक है, अभी सबसे इम्पोर्टेंट है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जैसे इंडिया में आती है, ईस्ट इंडिया कंपनी आई, ओके, तो ऑब्वियसली इंडिया में बिजनेस सेटअप करना था, तो इसलिए क्या हुआ, जो जहांगीर है उसके पास तभी क्वीन एलिजाबेथ थी, तो क्वीन एलिजाबेथ ने किसको भेजा, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए, सर थॉमस रॉय, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है आपके लिए, याद रखना है कंपल्सरी। सर थॉमस रॉय को जहांगीर के कोर्ट में भेजा था। ठीक है, और ये क्वेश्चन एक बार पूछा भी है, तो कोर्ट ऑफ जहांगीर में सर थॉमस रॉय को भेजा था। तो फर्स्ट टाइम जहांगीर ने तो मना कर दिया, लेकिन सेकेंड टाइम उसने हाँ बोल दिया। और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अगेन, कि फर्स्ट आपकी जो फैक्ट्री है ईस्ट इंडिया की कंपनी, इंडिया में फर्स्ट फैक्ट्री ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी वो आपकी बनी सूरत में। ठीक है, तो ये सेकेंड टाइम उन्होंने परमिशन दे दिया, तो उन्होंने फैक्ट्री बना दी सूरत में। तो इतना डेटा आपको याद रखना है द मुगल एज का। ओके, इसमें हम डिटेल में जाएंगे, जैसे क्वेश्चंस ऐसे आएंगे वैसे। ओके, तो 19 क्वेश्चन पे आते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज द एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू द रिपब्लिक ऑफ माली। ठीक है, तो इसका आंसर है अंजनी कुमार, तो ये आपको याद रखना है। और माली के बारे में जानते हैं, तो जो माली आपका कंट्री है उसका जो कैपिटल है, ठीक है, कैपिटल राजधानी वो है बमाको, और जो करेंसी है वो है वेस्ट अफ्रीकन फ्रैंक। ठीक है, वेस्ट अफ्रीकन फ्रैंक, तो ये आपका करेंसी याद रखना है। प्रेसिडेंट इंपॉर्टेंट है, तो प्रेसिडेंट है बाहा नडाव। ठीक है, बाहा नडाव सॉरी, ये आपके प्रेसिडेंट है, मालिक है, तो याद रखो, कंपलसरी पूछ सकता है, कैपिटल करेंसी प्रेसिडेंट, ओके, याद रखना है हमेशा के लिए। तो जाते हैं आगे, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू कंट्री मैनेजर ऑफ गूगल इंडिया। ठीक है, गूगल इंडिया के कंट्री मैनेजर कौन है, तो इसका आंसर आपका है संजय गुप्ता। ठीक है, और गूगल इंडिया का पता है आपको, सीईओ सुंदर पिचाई है, हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया में है, यूएस में, अमेरिका में, ठीक है, कैलिफोर्निया, तो ये आपको पता ही है। तो ये थे आपके आज के क्वेश्चंस। अभी सबसे इम्पोर्टेंट चीज एक बार सुनो, कि 20 क्वेश्चंस अब तक हमने कर लिए हैं, ठीक है, लेकिन ये 20 क्वेश्चन से भी इम्पोर्टेंट है कि इसका जो डिस्कशन है, तो उससे हमने लगभग अप्रोक्सीमेटली 100 क्वेश्चन को टच किया है अभी तक।
ठीक है, तो टोटल 4 पार्ट में हमने इतने क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं, एक एक अच्छे से हमने लिखा है जो कि आपके लिए मतलब रिलेवेंट है, इम्पोर्टेंट है। बाकी कुछ करो मत, बाकी सेक्शन जैसा अपना प्लान था, ये मास्टर सीरीज विषय क्यों है कि आप आपके जो दूसरे सेक्शंस है उस पर ध्यान दे सको, इसलिए है, राइट। तो ये आपका मेन टारगेट है। बाकी जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर का आप रोज वेबसाइट से पढ़ ही रहे होंगे, और अभी अपना करंट अफेयर का समरी भी होने वाला है, तो वो भी हम देखते हैं, ठीक है। तो आज हम देखेंगे 9, 10, 10 का जो है दिसंबर का समरी वीडियो, तो जाते हैं अभी करंट अफेयर पे। ओके, सो अभी है हम 9 दिसंबर पे। रुको, मैं इसको हिंदी में कन्वर्ट कर लेता हूँ पहले, क्योंकि ये अपना हिंदी क्लास है। जिनको इंग्लिश में कंफर्टेबल हो वो इंग्लिश की लैंग्वेज में देख सकते हैं, ठीक है, जो अपना इंग्लिश लेक्चर होता है उसमें। तो ये हो गया कन्वर्ट। अभी इसमें आपको याद रखना है कि खेल मंत्री किरण रिजिजू ने फिट इंडिया साइक्लोन का दूसरा संस्करण लॉन्च किया है, ठीक है। तो जो खेल मंत्री है वो किरण रिजिजू है, ये आपको पता होना चाहिए। ओके, फिट इंडिया ये आपको याद रखना है। बाकी ये स्टार्ट हुआ था 29 अगस्त 2019 को, ये याद रखने की जरूरत नहीं इतना, ठीक है, ये छोड़ो। बाद में पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस ले, ये छोड़ो। ओके, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका, केंद्र सरकार ने जीएसटी टैक्स पेयर्स के लिए शुरू की QRMP योजना, ठीक है। तो QRMP योजना किसके लिए है, जो जीएसटी टैक्स पेयर है, जो बेसिकली जीएसटी पे करेंगे उनके लिए है। फुल फॉर्म सबसे इम्पोर्टेंट जो आपका है QRMP का, QRMP का फुल फॉर्म क्वार्टरली रिटर्न फाइलिंग एंड मंथली पेमेंट ऑफ टैक्सेस, ठीक है, याद रखना है कंपलसरी, ये आपका फिक्स क्वेश्चन होने वाला है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। तो यस, इतना काफी इसमें। ओके, तो नेक्स्ट हम जाते हैं। अनिल सोनी WHO फाउंडेशन के पहले CEO के रूप में नियुक्त हो गए हैं, ये इम्पोर्टेंट है। WHO किधर है अपना, ये स्वीडन, राइट। तो ये आपको याद रखना है कंपलसरी, सॉरी सॉरी, WHO जेनेवा, राइट। तो जेनेवा में है, आपको याद रखना है। तो ये हो गया, कौन है, अनिल सोनी। 9 दिसंबर को क्या था, अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोधक दिवस था, और इसका जो थीम है वो भ्रष्टाचार शमन के माध्यम से वसूली पर केंद्रित है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, एकता के साथ सहयोग करें, विषय भ्रष्टाचार शमन के, पूरा आपका थीम है, ये आपको याद रखना है आपके नोट्स में, जस्ट इसको हाईलाइट करो। राजकमल झा ने जीता रविंद्रनाथ टैगोर साहित्यकारिक पुरस्कार, ठीक है, और ये जो पुरस्कार उन्होंने जीता है उपन्यास के लिए, उसका उपन्यास का नाम क्या था, द सिटी एंड द सी, ठीक है। तो ऐसा भी आ सकता है, सिटी एंड द सी उपन्यास किसने लिखा है, तो आपको याद रखना है राजकमल झा ने, ठीक है, पत्रकार लेखक दोनों है वो। तो ये आपको कंपलसरी एक और क्वेश्चन इम्पोर्टेंट आपके लिए मिला। बाद में जो विश्व मृदा दिवस हमने देखा था जो 5 दिसंबर को था, तो उसके रिगार्डिंग एक न्यूज है कि ICAR को पुरस्कार दिया गया, ठीक है। ICMR को पता है, ICAR दैट इज इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च को, ठीक है। और विश्व मृदा दिवस की जो थीम थी वो क्या थी, सेव द सॉइल, स्टॉप सॉइल इरोजन एंड सेव द फ्यूचर। ओके, तो याद रखो थीम। अभी देखो इसका फिर से 2 बार मतलब अपने को नाम आया, तो इसका चांसेस बढ़ गया है ये डे का, तो 5 दिसंबर को था, ठीक है, ये भी लिखा होगा हमने, ये देखो 5 दिसंबर को, ठीक है। तो ये याद रखो कंपलसरी। बाकी रैंकिंग में आपको याद रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शक सूचकांक, भारत का 10वां रैंक आया है, ठीक है। पहले 3 नंबर पर कोई नहीं था, क्योंकि उनको जो मतलब कंपलसरी फॉलो करने है गाइडलाइंस हम बोल सकते हैं, वो किसी कंट्री ने किए, दैट्स वाई इंडिया 10 पे है और 4th पे स्वीडन है, ठीक है। तो 4th पे भी आप याद रख सकते हो, याद रखो ये इम्पोर्टेंट है, कौन सी, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शक सूचकांक, ठीक है। तो ये था आपका 9 दिसंबर, अभी हम जाते हैं 10 दिसंबर पे। तो देखिए कितने क्विकली आपके करंट अफेयर होते हैं, ठीक है, अगर आपको पता है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं, इसलिए इसके चक्कर में अगर आप 1-2 घंटा बर्बाद कर दोगे डेली, तो मतलब बहुत बड़ा नुकसान है आपका, और कॉम्पिटिशन में भी आप मतलब पीछे हो गए, राइट। तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि ये जो अपना क्लास है इसको मिस ना करें। तो जस्ट 1 मिनट, ये लोड हो रहा है। ओके, तो 11 के कल देखेंगे, कल का अपना लेक्चर होगा उसमें, ऐसे एक एक दिन ये करेंगे, ठीक है। तो 10 दिसंबर के हिंदी में करंट अफेयर देख लिया थी, तो अभी देखिए इधर। तो नेपाल और चीन ने माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 86 सेंटीमीटर से ज्यादा होने का दावा किया है, ठीक है। तो बेसिकली अभी जो नया ये हुआ था माउंट एवरेस्ट जो है अपना, उसका जो नया ऊंचा थे ऊंची थी वो है 8.84, 8.86। ओके, सबको पता ही होगा 8848 आपका मीटर जो है वो हाइट है माउंट एवरेस्ट की, लेकिन अभी जो नया गणना की है उसके अकॉर्डिंग 0.86 जस्ट ऐड हुआ है उसमें, ठीक है। तो ऑप्शन में अगर आपको ये आया तो आपको ये टिक करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछता है कि हाइट कितना है माउंट एवरेस्ट का, अगर आपको यही आया, ठीक है, दोनों देंगे नहीं ये फिक्स है, तो आइधर ये जो पुराना है अपना और आइधर ये आपको टिक करना है।
बाद में अगर आप देखोगे राष्ट्रीय, तो पीएम मोदी ने किया वर्चुअल इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2020 का उद्घाटन। ठीक है, तो इंडिया मोबाइल कांग्रेस का उद्घाटन है, और इसका जो थीम है वो भी आपको बताना चाहिए कि आत्मनिर्भर भारत डिजिटल समावेशिता। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। ओके, ये थीम है, सॉरी सॉरी, ये थीम है इंक्लूसिव इनोवेशन एंड स्मार्ट सिक्योर सस्टेनेबल। ठीक है, तो IMC मतलब इंडिया कांग्रेस मोबाइल कांग्रेस। ठीक है, तो ये इसको लॉन्च किया है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका आ रहा है अभी कि यूनेस्को ने विश्व विरासत शहरों में ग्वालियर और ओरछा को इंक्लूड किया है और ये उसको ऐड किया है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि ग्वालियर और ओरछा जो है इसके बारे में आपको बताना चाहिए। ठीक है, अभी क्योंकि ये अभी विश्व विरासत शहरों में आ गए हैं, दैट्स वाई इसके बारे में इंफॉर्मेशन मैंने इधर दिया है। देखिए कि सूर्य मंदिर आपका अभी इसमें क्वेश्चन देखिए TCS कैसे घुमाएगा कि ये तो अपना न्यूज हुआ कि विश्व विरासत शहरों में आपका ग्वालियर और ओरछा है। ठीक है, तो जो आपके फेमस पॉइंट है उधर के ग्वालियर और ओरछा के वो आपको याद रखने हैं। तो जैसे कि सूर्य मंदिर है, जल विलास पैलेस है, तानसेन का स्मारक है उधर, टिगरा डैम है, 15वीं सदी के गुजारी महल, ठीक है वो भी उधर है, पैलेस गुजारी महल पैलेस, तो किधर है? ग्वालियर में। तो इसमें से एक भी आपको पूछ सकता है, और पूछ सकता है किधर है ऑप्शन में। ठीक है, तो आपको पता नहीं ग्वालियर। ओरछा के बारे में अगर आपको पता है तो उधर सबसे इम्पोर्टेंट अभी जहांगीर महल, अभी जैसे हमने जहांगीर का पढ़ा राइट, तो ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए कि जहांगीर महल किधर है? ओरछा में है, राजमहल है, राम राजा मंदिर है, राय प्रवीण महल और लक्ष्मी नारायण मंदिर उधर है। तो ये जो इम्पोर्टेंट प्रसिद्ध स्थान है उधर के ओरछा और ग्वालियर के, वो आपको कंपल्सरी याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये पूरा का पूरा ऐसे ही मतलब याद रखो। ठीक है, अभी जाते हैं नेक्स्ट जो कि आपका खेल है। तो पार्थिव पटेल ने संन्यास लिया, ये छोड़ो। सबसे इंपॉर्टेंट है यूलिमर रोहास एंड मोंडो डुप्लेंटिस ने जीता वर्ष 2020 का विश्व एथलीट ऑफ द ईयर खिताब। ठीक है, तो जो विश्व एथलीट ऑफ द ईयर खिताब है किसने जीता, ये आपको आएगा तो यूलिमर रोहास, दोनों का नाम आएगा। ठीक है, एक का नहीं आएगा, दोनों का आएगा ऐसे, तो ऑप्शन में दोनों होंगे तो आपको दोनों को टिक करना है। तो यूलिमर रोहास एंड मोंडो डुप्लेंटिस, ठीक है इसका याद रखना है आप तो को। ट्रिपल जंपर है यूलिमर रोहास, ठीक है ये भी आ सकता है अगर थोड़ा उसने डीप जाना चाहा तो। यूलिमर रोहास जो है वो क्या है, तो ट्रिपल जंपर है, और ये पोल वॉल्टर जो है, ठीक है मोंडो डुप्लेंटिस क्या है, स्वीडिश पोल वॉल्टर, तो ये आपको याद रखना है। बाद में सबसे इंपॉर्टेंट आपका दिवस, तो ह्यूमन राइट्स डे, ठीक है 10 सितंबर को होता है, और जो इसका थीम है रिकवर बेटर स्टैंड अप फॉर ह्यूमन राइट्स। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका है सम्मेलन एवं समझौते, इसमें आपको याद रखना है कि ठीक है ओके। बाद में इन्वेस्ट, हाँ इन्वेस्ट इंडिया ने जीता संयुक्त राष्ट्र का इन्वेस्टमेंट प्रमोशन अवार्ड। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि संयुक्त राष्ट्र का है, इसलिए आपको याद रखना है कि इन्वेस्ट इंडिया, इसका आपको नाम याद रखना है। बाद में रैंकिंग में अगर देखें तो अगेन फिर से वही है कि जलवायु परिवर्तन सूचनांक 10वां नंबर आया था इंडिया का, हमने अभी देखा 9th करंट अफेयर में। तो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स उसका नाम है इंग्लिश में, ठीक है इसका याद रखो। 4th पे डेनमार्क स्वीडन है, 5th पे यूनाइटेड किंगडम है, ये याद मत रखो, जस्ट इतना याद रखो 4th पे स्वीडन है। ठीक है, और जो बैंकिंग के स्टूडेंट है IBPS के लिए खासकर, वो आपको ये अच्छे से पढ़ो, इसमें भी इम्पोर्टेंट ये सेकेंड पॉइंट आपका छोड़ सकते हो आप, लेकिन ये जो है फिच रेटिंग ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसका मीनिंग वो है, अभी कभी जनरल वर्ड्स में आया तो डिटेल में हम उसको लेंगे। तो फिच रेटिंग ने चालू वित्त वर्ष भारत की GDP पूर्वानुमान को घटाकर किया -9.4%। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कितना हुआ -9.4%, ये आपको आएगा क्वेश्चन में IBPS के द्वारा। ठीक है, TCS इसमें जाता नहीं है ज्यादा, लेकिन फिर भी इसका मीनिंग जो है, अगर आपको टाइम आपके पास टाइम है तो जस्ट इसका मीनिंग आप गूगल पे सर्च कर सकते हो। ठीक है, बाद में हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे जैसे आपके जनरल अवेयरनेस क्लासेस में। तो ये था आपका आज का 10 दिसंबर का करंट अफेयर। तो हो गया अपना ये, तो इस तरीके से हम एक एक करते जाएंगे करते जाएंगे, और आपके जो अपकमिंग एग्जाम्स आ रहे हैं उसके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही अपने क्लासेस, लेकिन बाकी के एग्जाम्स जो आने वाले हैं या आएंगे उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है अभी प्रॉपर रिवाइज करो, अपने नोट्स बना ही रहे होंगे साथ में, उसको पढ़ना भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कुछ डाउट है कमेंट करो, कैसा लग रहा है सीरीज लाइक करो कंपलसरी, और नेक्स्ट क्लास अभी होगा उसमें जस्ट प्रॉपरली रिवाइज करके आओ। 20 क्वेश्चन अब तक किए हैं जनरल अवेयरनेस के, और डेली करंट अफेयर हम कर रहे हैं। ठीक है, और आप भूलो मत कि आपको ये पूरा जो 12 मंथ का करंट अफेयर इधर दिया है मैंने, डेट मंथ, ठीक है ये पूरा आपको पढ़ना है अच्छे से, जब तक आपका एग्जाम नहीं आता स्टार्ट करो जुलाई से, और बाद में फिर चलते जाओ। ठीक है, तो ऐसे ही हम करते रहेंगे, और जो अपना चांस है वो बढ़ाते रहेंगे, और इसके साथ अभी जो आपके नेक्स्ट सेक्शन है और नेक्स्ट आपके जो अदर सेक्शन है उस पर फोकस करो, उसका पढ़ाई चालू करो। ठीक है, ऑल द बेस्ट।